इवनिंग स्टूडेंट, चलिए आज हम सनशाइन से सेकंड चैप्टर देखते हैं, सपनों कैसे दें। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमारे सनशाइन में सिर्फ तीन ही चैप्टर हैं क्लास टेंथ में, पर एक चैप्टर बहुत लेंदी है तो इसीलिए इसको पूरा अच्छे से देख लेते हैं। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ, सपनों कैसे दें। देखिए बहुत लंबा चैप्टर है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो पढ़ भी सकते हैं आप इसे। और ये हरदयाल शंकर है, शर्मा है, तो इनकी ये इन्होंने चैप्टर लिखा है। अपनी एक अपना एक अतीत का है, ये एक आत्मकथा है कि इन्होंने बात हुआ करती थी, एक अपना अतीत का है। आजकल स्कूलों में विद्यार्थियों को पीटना माना है, परंतु पहले पीटा जाता था, तो ये इन्होंने अपनी आत्मकथा कही है। जो इनके साथ बचपन में जो घटना घटी है ये वो है, इन्हें याद आगे कि इनके सपनों के से दिन ऐसा लगता है कि आज ही दिन हमारे बीते हुए हैं। इन्होंने इतनी तो इन्होंने अपनी आत्मकथा कही है, मैं संक्षेप में यही कह सकता हूँ। और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन मैंने पहले से वीडियो में कर दिया। ये देखिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर आ गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है। अभी इतना बड़ा चैप्टर है और ये कह रहा है किस अंश से, यानी किस एरिया से ये जो चैप्टर है ये बता रहा है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ये हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो गए। चलिए हम बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए बड़ा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में किस अंश से, बच्चे जब मिलकर खेलते हैं उनकी व्यवहार उनकी भाषा अलग होते हुए भी एक ही लगती है, भाषा अलग होने से आपसे खेल कूद मेल मिलाप बाधा नहीं बनती। इस पाठ में लेखक ने बचपन की घटना को बताया कि कोई बच्चा हरियाणा से कोई राजस्थान से सब अलग अलग भाषा बोलते, परंतु खेलते समय सबकी भाषा सब समझ लेते हैं, उनके व्यवहार से इसमें कोई अंतर नहीं आता था। अब दूसरा क्वेश्चन है, फिर से मैं दिखा देता हूँ दूसरा क्वेश्चन, पीटी साहब की फौज के तमगो से क्यों लगती थी, तो ये भी हम देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी का कि सेम क्वेश्चन है या नहीं, आपको प्रॉब्लम ना हो। पीटी साहब प्रीतम चंद अनुशासन प्रिय थे, वे बच्चों को कभी अनुशासन के लिए कभी पढ़ाई के लिए डांटते रहते थे, परंतु जब बच्चे कोई भी गलती ना करते प्रार्थना के समय सीधी कतार बनाकर खड़े रहते तो पीटी साहब उन्हें शाबाश कहते, शाबाश माने वेरी गुड गुड, तो ये एक प्रोत्साहन वर्ड है। बच्चे शाबाश सुनकर खुश हो जाते, उन्हें लगता था फौज में सिपाही को तमगे दे दिए जाते हैं, वैसे हमको तमगो उनको मिल गया है। अब कोई डांटने वाला टीचर और वो आपकी तारीफ करे तो उसमें कुछ बात होती है। अब थर्ड क्वेश्चन है, नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों को पुरानी किताबों से आती विशेषण से लेखक का बालपन क्यों उदास हो जाता है, यानी बचपन। नई श्रेणी में जाने या नई क्लास में जाने के लिए नई कॉपी पुरानी किताबों से आती विशेषण से बालपन क्यों, क्योंकि आगे की श्रेणी की कठिन होती पढ़ाई और नए शिक्षकों द्वारा होने वाली मारपीट के भय से लेखक का बाल मन यानी बच्चे का जो मन है नई कॉपी और पुरानी किताबों की गंध से उदास हो जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काउट परेड करते समय लेखक को अपना महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगता है। मैं चाहता हूं कि आप सभी यहीं से लिखें और यहीं से आपको लिखना है, आपको अदर कहीं पर भी नहीं लिखना है, क्योंकि माना नहीं जाएगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, क्योंकि ये क्लास टेंथ है, किसी भी एक एक्टिविटी पे किसी कुछ भी पर आप विश्वास नहीं कर सकते। आपका क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन जैसे पेपर में आता है उसको पूरा आपका आंसर जो है उसको कंप्लीट होना चाहिए, उसका पूरा जवाब मिलना देना चाहिए। स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगता है, क्योंकि स्काउट परेड में लेखक साफ सुथरी धोबी से धुली ड्रेस पहनता, पॉलिश बूट तथा जुर्रा पहनकर लेखक ठक ठक करके चलता। मास्टर प्रीतम चंद द्वारा परेड के समय राइट टर्न लेफ्ट टर्न अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं कदम मिलाकर चलता तो वह अपने आप को फौजी से कम नहीं समझता था, अकड़ कर चलता तो अपने अंदर एक फौजी जैसे आन बान शान महसूस करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया। अब एक दिन मास्टर प्रीतम चंद ने कक्षा में बच्चों को फारसी के शब्द रूप याद करने के लिए दिए, परंतु बच्चों के शब्द रूप याद नहीं हो सके, इस पर मास्टर जी ने उन्हें मुर्गा बना दिया और बच्चे सहन नहीं कर पाए और कुछ ही देर में लुढ़कने लगे यानी गिरने लगे। तो उसी समय नर्म हृदय हेडमास्टर जो प्रिंसिपल सर होते हैं वे अधिकतर नर्म स्वभाव के होते हैं, हमारे प्रिंसिपल सर भी ऐसे ही हैं, तो हेडमास्टर जी ने वहां से निकले बच्चों की हालत देखकर सहन नहीं कर पाए और पीटी मास्टर को मुअत्तल कर दिया यानी स्कूल से इन्वेस्टिगेट कर दिया। इसी कारण प्रीतम चंद कई दिन से स्कूल
नहीं आ रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूली शिक्षा से भाग जाने वाली न लगने वाली पर भी कब क्यों उन्हें स्कूल अच्छा लगने लगा? लेख के अनुसार उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, परंतु जब स्कूल में रंग बिरंगे झंडे लेकर गले में रुमाल बांधकर मास्टर प्रीतम चंद परेड करवाते थे तो लेखक को बहुत अच्छा लगता था। सब बच्चे ठक ठक करते राइट टर्न लेफ्ट टर्न और अवॉइड टर्न और मास्टर जी ने शाबाश कहते लेखक को पूरे साल में मिले बुड्ढों से भी ज्यादा अच्छा लगता था, इसी कारण लेखक को स्कूल जाना अच्छा लगता था। लेखक अपने स्कूल छात्र में छुट्टी न मिल पाने को क्यों क्या क्या योजनाएं बनाया करता, उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किस भांति बहादुर बनने की कल्पना करना? यहाँ पर ये जो बहादुर वर्ड आया है, बहादुर बनने की कल्पना, ये बार बार आया, इस पेपर में पूछा भी गया था इस साल भी, कि बहादुर बनने की कल्पना लेखक ने किस छवि को उभरते हुए रूप में कहा गया है, यानी उसमें साइकोलॉजी क्वेश्चन डाल दिया जाता है। लेखक के अनुसार स्कूल की छुट्टियां होती है उसमें जो काम करने के लिए मिलता है पूरा करने के लिए लेखक समय सारणी बनाता है, कौन सा काम कितना काम एक दिन में पूरा करना है। लेखक खेल कूद के समय बीत जाता काम नहीं हो पाता क्योंकि धीरे धीरे समय बीतने लगता, लेखक कोमा ठिगने वाले जैसे लड़के जैसे बहादुर बनना चाहता था जो उद्दंड था, काम करने के बजाय पिटना सस्ता सौदा समझता था। अब स्कूल में काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्क नहीं करते, उनको पिटना जो है सस्ता सौदा आज भी लगता है, ये बात बिल्कुल सच है, उनको सस्ता लगेगा पिटना पर वे काम नहीं करते कि एक अच्छे बच्चे की तरह काम किया जाए। पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पीटी सर शरीर से दुबले पतले ठीकने करके थे, उनकी आंखें भूरी और तेज थी, वे खाकी वर्दी और लंबे जूते पहनते थे, बहुत अनुशासन प्रिय थे, बच्चे उनका कहना नहीं मानते थे तो वे दंड देते थे, वे कठोर स्वभाव के थे, उनके मन में दया भाव न थी। अब पीटी सर के बारे में कहा, ठीकने करते थे, आंखें भूरी और तेज थी, खाकी वर्दी और लंबे जूते पहनते थे, बहुत अनुशासन प्रिय थे। क्योंकि लंबे जूते क्यों पहनते थे, क्योंकि एक तो ठीक नहीं थे, थोड़ा सा जूता ऊंचा हो जाए तो लंबा शूज इसलिए पहनते थे। बाल खींचना, डुड्डे मारना, खाल खींचना उनकी आदत थी, इसके साथ स्वभाव में मानिए भी थे। नौकरी से निकाले जाने पर भी हेडमास्टर से हम नहीं गिरी रिटायर बल्कि चुपचाप चले गए, ठीक है। तो विद्यार्थियों को अनुशासन रखने में फीट में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए सबसे पहले कठोर दंड मारपीट जैसी युक्तियां अपनाई गई हैं, परंतु वर्तमान में यह निंदनीय माना गया है। पहले ये होता था, आज ये नहीं होता है। आजकल विद्यालयों को अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे बच्चों की भावनाओं को समझे, उनके कामों का कारण समझे, परंतु कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वर्क आज भी नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास नहीं लेना चाहते। अब उनकी भावनाओं को एक टीचर किस प्रकार से समझ सकता है, ये आप मुझे ये भी आप सोचें। उनके एक टीचर काफी देर से वीडियो बना रहा है, उनको बच्चों को क्वेश्चन आंसर समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, उनको नोट करने के लिए बोल रहा है, उनको नई नोटबुक बनाने के लिए बोल रहा है, परंतु वे घर पर बैठ करके भी नहीं करते, बहाना मार देते हैं। और जब स्कूल ओपन हो जाता है तो स्कूल के डर से तब वे होमवर्क करते हैं, 8 घंटे स्कूल में रहेंगे और 4 घंटे 6 घंटे फिर भी स्कूल का होमवर्क करने के लिए बैठते हैं, परंतु अब पूरे दिन लॉकडाउन में घर पर है बच्चा, तो उतने दिन पढ़ता नहीं है, उसको पढ़ने के लिए बड़ा बुरा लगता है। जबकि क्लास 10th है, बोर्ड एग्जाम है, तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए और आपका एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। वो समझे और उनकी गलती का एहसास कराएं, उनके साथ मित्रता और ममता का व्यवहार रखें, इससे बच्चे स्कूल जाने से डरेंगे नहीं बल्कि खुशी खुशी आएंगे। ये बात अच्छी है, बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती है, सभी की यादें बचपन की गुदगुदाने होती है। बच्चे छोटे छोटे होकर टॉफी के लिए कैसे छिन्न कैसे जिद करते थे, तो सोचो विशेषकर स्कूल दिनों की। आपने अब तक स्कूल जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखना, ये आपको विद्यार्थी या पसंद खुद ही लिखेंगे कि आप स्कूल से जाते छोटे छोटे बच्चे थे, जब मम्मा पापा लेने आते थे तो उस समय आप कैसे कैसे करते थे, तो ये यादें आपको खुद ही लिखनी है। उसमें एक जो भी लिखे इसमें आपका लैंग्वेज, आपका आपका भाषा एक पुस्तक के रूप में होना चाहिए, एक सीधी सादी लैंग्वेज होनी चाहिए, उसको देहाती रूप ना दिया जाए। प्राय अभिभावक बच्चों को खेलकूद में ज्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद न करने की नसीहत देते हैं, बताइए खेल आपके लिए जरूरी क्यों है? और दूसरा क्वेश्चन है, आप कौन कौन से नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को आपके खेल पर आपत्ति न हो? खेल मनोरंजन के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, हम मानते हैं खेल बहुत अच्छा होना चाहिए, इससे शरीर स्वस्थ रहता है, बिल्कुल सही है, बच्चे अनुशासित रहते हैं, प्रेम सहयोग की भावना बढ़ती है,
साथ ही प्रतिस्पर्धा उनके समझ में आता, समूह में खेलने से सामाजिक भावना आती है, बिल्कुल सही है, खेल जरूरी के लिए जरूरी है, उतने ही जरूरी अन्य कार्य भी है जैसे पढ़ाई आदि, खेल स्वास्थ्य के लिए तो पढ़ाई जैसे कार्य भविष्य को सुधारने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। खेल से क्या सुधरता है, शरीर सुधरता है, स्वास्थ्य सुधरता है, और पढ़ाई से भविष्य सुधरता है। तो ज्ञानवर्धक भविष्य पर उतना ही ध्यान देंगे, समय देंगे तो अगर आपको खेलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जब एक बच्चा समय लेकर के अच्छे से पढ़ रहा है और वो वर्क कर रहा है और स्कूल से उसकी कोई कंप्लेंट नहीं आ रही, कोई शिकायत नहीं आती माता पिता के पास, तो माता पिता भी अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि बच्चा मेरा अच्छा है, टाइम पे पढ़ रहा है, कोई कंप्लेंट नहीं है, खेलने देते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो अंदर से क्वेश्चन है मैं उनको भी बता देता हूँ, मेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लेखक के साथ खेलने वाले बच्चों की स्थिति का वर्णन करते हुए बताइए उन्हें खेलना कितना पसंद है। ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और ये भी बता दूं मैं सेट 3 में है। उत्तर, लेखक के मोहल्ले के आसपास गांव और राजस्थान हरियाणा से आए हुए कुछ व्यापारी दुकानदार रहते थे, उनके बच्चे। मैंने पहला क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया गया, देखो थोड़ा चेंज किया गया, क्योंकि भाषा उसमें बताया गया कि भाषा अलग अलग होती थी परंतु भाषा समस्या उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि बिखरे होते थे, मैली बड़ी कच्ची टूटे बट्टों वाले कुर्ते पहनकर लकड़ी की ढेर पर चढ़कर नीचे भागकर खेलते रहते थे, नंगे पांव रेत की मिट्टी भागते हुए, चोट लगने पर भी घर वालों से पीटते थे परंतु खेलना नहीं छोड़ते, सभी बच्चों को खेलना किसी भी अन्य कार्यों की अपेक्षा अधिक पसंद था। आदि सती पढ़ा पहले पढ़ा गया कौन सा वाक्य लेखक को याद था और जीवन मूल्य के आधार पर प्रमाणित कीजिए। आदि सती यानी 50 साल पहले, आदि सती किसको कहा गया है, 50 साल पहले, सती माने 100, और 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। हिंदी में आपको बहुत चीजें का याद करना होगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं उनको भी आपको बता देता हूँ। तो आदि सती लेखक ने किसी पुस्तक में पढ़ा था, बचपन में घास अधिक और हरी और सुगंधित मोहक लगती है, वाक्य कहानी के लेखक समय भी याद रहा, अनुभव बचपन के रूप में गुलाब गेंदा मोतियों गलियों की गंध सुंदरता उन्हें अभी तक याद है, सुंदरता और गंध का अनुभव इतने वर्षों बाद आज भी आंखें बंद करने पर कर सकते हैं। चंदु चपरा सिंह आंखें बचाकर गेंदा गुलाब और मोतिया तोड़ना, उन्हें कुछ दूर सूंघकर जेब में रखना, मेमने की तरह चर जाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता था, आज भी याद है कि बहुत चीजें जो बचपन में हुई थी वो उन्हें आज भी याद है। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया, क्या उनका ऐसा करना उचित था, नहीं, इसको हेडमास्टर श्री मदमोहन पीटी साहब को मुअत्तल इसलिए कर दिया क्योंकि वो बड़े बच्चों के साथ सख्ती से पेश आते थे, फारसी के याद न होने पर हेडमास्टर के टांगों के पीछे बाहर निकालकर कान पकड़ने का हुक्म दिया, ठीक उसी समय हेडमास्टर साहब ने कठोर व्यवहार को उनकी आंखों से देखा, छोटी कक्षा के छोटे बच्चों को नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। पीटी साहब पितृजन के आचरण से क्रोधित होकर उन्होंने अपनी मुअत्तल का आदेश लिखकर मंजूरी के लिए रियायत की राजधानी नावा भेज दिया, बच्चों के को कड़ी सजा देना मारना पीटना हेडमास्टर साहब को बिल्कुल पसंद नहीं था, उनकी सोच बिल्कुल सही थी। लेखक ने बच्चों के मनोविज्ञान का कब मनोविज्ञान को कब समझा, स्कूल से बचने कुछ बच्चों ने कौन सा नया रास्ता निकाला, अब देखो ये बाल मनोविज्ञान का क्वेश्चन आ गया। लेखक ने बड़े होकर जब स्कूल अध्यापक बनने की ट्रेनिंग की तो वहां बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी आ गई का विषय पढ़ा तब उसे बात समझ में आई कि बच्चों को खेलना इतना ही अच्छा लगता है, जान पाया कि माता पिता से पिटने के बाद बच्चे क्यों खेलने चले जाते थे, क्योंकि गांव में बहुत ऐसे बच्चे नहीं, स्कूल जाना अच्छा नहीं रहता, पढ़ाई में उनकी कोई रुचि नहीं थी, किसी दिन माता अपना बस्ता तालाब में फेंका है, फिर कभी स्कूल गए ही नहीं, उनके माँ बाप ने उन्हें स्कूल भेजना उचित नहीं समझा क्योंकि व्यवसाय से परचूनी और आड़तियों को बच्चों को स्कूल भेजना गवारा नहीं था, माँ बाप के साथ काम ऐसे बच्चे उनके अभिभावकों का उद्देश्य था। आज भी की जो बाप का बिजली से वही बेटा करे नहीं पढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वे आज भी पढ़ाई का अहमियत नहीं समझते, ये नहीं चाहते कि वो बच्चा पढ़ लिख करके बहुत हमसे भी आगे जा सकता है, हमसे बड़ा बन सकता है, परंतु नहीं, जिस पोस्ट पर या जिस दुकान पर वे बैठे हैं वो चाहते हैं उसी दुकान पर उनका बेटा आकर के बैठे, जो परचून की दुकान है, कोई भी दुकान चला रहे, कोई भी शॉप यूज कर रहे हैं तो उसी शॉप पर उनका बेटा बैठे। लेखक बचपन में पुरानी किताबों को देखकर क्यों उदास हो जाते हैं, अगली कक्षा में प्रवेश की बात सुनते ही जहाँ एक और बड़े और सयाने होने का एहसास लेखक को उत्साहित करता है, वहीं नई नई पुरानी किताबों में न जाने कैसी बात बातें आती, मास्टर के डर से कांपने लगते, ये बात सच है कि बचपन में पुरानी किताबों को देखकर क्यों उदास हो जाते, क्योंकि अब नए टीचर आएंगे, नया कोर्स होगा, ज्यादा कोर्स होगा, तो इसलिए बच्चे क्या 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 करते थे, उदास हो जाते थे, लिखा हुआ ना, नए मास्टरों की मारपीट,
मन में बैठ जाता। और क्या है कि नई किताबों का मिलना और नेक्स्ट श्रेणी यानी अगली कक्षा की क्या होगा, मुश्किल पढ़ाई हो जाएगी। इस वजह से क्या करते थे बच्चे, उनको कठिनाई का अनुभव होता था। कोई आनंद महसूस नहीं। पीटी सर की प्रीतम चंद को शाबाश कहने पर कमजोर के समान क्यों लगती थी, क्योंकि वे बहुत कम बोलते थे इस तरह से। परंतु जब शाबाशी मिले तो गुड यानी शाबाशी कॉपी में मिले तो यानी वेरी गुड, तो अधिक मूल्यवान प्रतीत होता था बच्चों को। और उनकी मेहनत से प्राप्त पढ़ाई पीटी साहब की डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। पीटी सर प्रीतम चंद की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा पीटी सर की यह क्वेश्चन इस बार फिर आया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कितना कैसे पूछा। पीटी सर प्रीतम चंद की चारित्रिक विशेषताएं यानी किसी का चरित्र चित्रण, इसको कहा जाता है चरित्र चित्रण। इस बार चरित्र चित्रण बहुत आया है, चरित्र चित्रण बहुत आया है। किसी के बारे में सब कुछ जानकारी देना, उसकी बिहेवियर कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी नॉलेज कैसी है। ठीक है, पीटी साहब की तीन चरित्र विशेषताएं यानी जो तीन उनमें खास सबसे ज्यादा खासियत थी उनके बारे में बताओ। तो ये देखो इसमें कितना लिखा हुआ है। पीटी सर प्रीतम चंद बड़े कठोर स्वभाव के, अनुशासन प्रिय, डिसिप्लिन में सबसे ज्यादा विश्वास रखते थे, विद्यालय कार्यक्रम में रुचि लेने वाले, स्वाभिमानी और पशु पक्षी को प्रेम करने वाले, धैर्यवान व्यक्ति थे। वे प्रार्थना सभा में या स्काउटिंग का अभ्यास करने वाले छात्रों को जरा सा हिलने डुलने पर बहुत मारते थे, उनकी खाल उधेड़ने को तैयार रहते थे, डांटते थे। फारसी के शब्द रूप नहीं याद करने पर उन्हें उन्होंने क्या किया, चौथी कक्षा के छात्रों को कठोर शारीरिक दंड दे दिया। छात्रों के गुणों को बढ़ावा देना भी जानते थे, इसलिए परेड करवाते समय उन्हें शाबाशी भी देते थे। बच्चों को परेड कराना अच्छा लगता था, परंतु पीटी साहब के कठोर स्वभाव के कारण उनके सारे गुणों पर पर्दा डाल दिया था। वे अनुशासन प्रिय थे, विद्यालय कार्यों में रुचि लेने वाले व्यक्ति थे, अब कठोर सुधार देने निलंबित कर दिया। स्वाभिमानी बस हेडमास्टर के सामने नहीं झुके और नौकरी छूट जाने पर भी धैर्यपूर्वक आराम से रहते हुए अपने पालतू तोते को बादाम की गिरियां छील छील कर खिलाया करते थे, उससे मीठी मीठी बातें करते रहते थे। उनके स्वभाव में कठोरता और कोमलता का विचित्र समन्वय दिखाई देता है। अब ये बताए पक्षी के साथ बड़े प्यार से बात करे, परंतु क्या है कि अगर बच्चा अच्छा काम करे तो शाबाशी भी दे रहे, परंतु उनको क्या है कि डांटना सबसे ज्यादा बच्चों को खलता था। देखा अपने बच्चे बचपन में क्या है, गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताते हैं। अब गर्मी की छुट्टियां बच्चे कैसे करते हैं, लेकिन गर्मी की छुट्टियां माँ के साथ नानी के साथ चले जाते हैं, परंतु उस समय तो लॉकडाउन है और घर पर चले जाते हैं मामा के घर, और मामा के घर वहां पर दूध दही मक्खन आदि खिलाते, उनकी प्रशंसा करती, अपने बच्चों के साथ देखती, बोलने अच्छी बोलने की शिक्षा देती। गाँव में तालाब है, तालाब में नहाते थे, ननिहाल में जा पाते अपने साथ, कुछ दूरी पर इसी तरह तालाब पर चले जाते। तो ये सब चीजें लेखक करते थे। तो सपनों कैसे दिन के आधार पर लिखे, अभिभावकों की बच्चों की पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं थी, पढ़ने को व्यर्थ समझने में उनकी क्या तथ्य। देखो जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, अपने बैग उठा करके डाल देते थे, तो उनके बारे में उनके गार्जियंस की अभिभावकों को ऐसी क्या इंटरेस्ट था जो ये बच्चों को नहीं भेजते थे, क्या व्यर्थ थे कि पढ़ाई को तो व्यर्थ समझ रहे हैं, यानी व्यर्थ माने बिना बेफिजूल। लेखक को अधिकतर पड़ोसी व्यवसाय से परचूनी आड़ के छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोग थे, जितने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते, चाहते थे कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर तहसीलदार नहीं बनाना चाहते थे। उनका मकसद है कि उनका पंडित घनश्याम दास से हिसाब किताब लिखने, बही कथा जांचने और मुनामी का काम सीखकर बच्चों को दुकान पर बिठा दिया जाए, जिससे वह दुकान चलाना व्यापार करना सीख ले। तब कॉपी का खर्च उठाना बापू अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसलिए बच्चे नियमित रूप से जबरदस्ती स्कूल भेजने में कोई रुचि नहीं। जब गार्जियन नहीं जाएंगे तो बच्चा कैसे है शायद। तो ये रिलेटेड, अब आप क्लास 10th में आ गए हो तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। सपनों के सिद्धि पाठ में लेकर कोई स्कूल जाने का उत्साह नहीं होता था, क्योंकि फिर भी वे कौन कौन सी बातें जिस कारण उसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, कारण स्पष्ट कीजिए। अब लेखक ने ऐसी बात कही है कि उसको वही बात फिर से आ गई इसमें, क्या है कि अगर उसको खेल कूदने का काम किया जाए तो बहुत अच्छा लगता था, जब पीटी सर हमारे जो प्रीतम चंद है वे करते थे तो वह अच्छा लगता था। अब यदि कोई अपना सिर हिलाता, पांव से बिल्ली गुजलाने का काम करता, बच्चे करते हैं क्लास में जब लाइन में खड़े कर देते हैं, तो पीटी सर उस बच्चे की तरफ बाघ की तरह झपटते और खाल खींचने का मुहावरे का प्रत्यक्ष करके दिखा देते, उसको पनिशमेंट देते थे।
तो जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते पीटी सर की नीली नीली झंडे हाथ में पकड़कर 1 2 3 कहते हैं, वो झंडिया ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते हवा में लहराती, तो क्या एक फौज के सर और सामान बोलने लगते तो एक फौज के तमगे की तरह लगता था। बच्चों को बच्चे उत्साहित होते थे। सपनों के सिद्ध पीटी में साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहब द्वारा विद्यार्थियों को अनुभाषित करने की युक्तियां, ये क्वेश्चन इस बार फिर आया है। सपनों के सिद्धित पाठ में पीटी साहब द्वारा विद्यार्थियों को अनुशासित करने की युक्तियां वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के अनुसार कहां तक उचित है, इसमें निहित जीवन मूल्यों पर अपने तर्कपूर्ण विचार दीजिए। तर्क यानी डिबेट, जो इस बार क्लास 9-10 को डिबेट कराई है वही डिबेट तर्कपूर्ण तर्क होना चाहिए, परंतु तर्क भी सार्थक होना चाहिए। पूर्व काल में छात्रों को अनुशासन में रखने के लिए कठोर सजा के दंड दिए जाते थे, कड़वे शब्द बोलकर उन्हें मानसिक रूप से ठेस पहुंचाई जाती थी, अध्यापक और छात्र के बीच दूरी बनी रहती थी, कई स्थानों पर अध्यापक बच्चों की डंडे से पिटाई भी करते थे। इसके विपरीत आज शिक्षा मनोवैज्ञानिक हो गई है, तो मनोवैज्ञानिक तो सारे के दंड कड़वे बोल छात्रों की पिटाई जैसे निर्मम कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी है, परंतु इस तरह पीटी प्रेमचंद अपना एक अनुगत कार्य करने के तरीके आज भी शिक्षा जगत में माने नहीं है, ये अबोध है भोले बच्चों के हित में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपनों के जितने पाठ के आधार होता है बच्चों को अनुगमन जीवन मूल्य की शिक्षा व्यवस्था क्या सुधार किया जा सकता है। अब ये सारी चीजें बच्चों के जो फेमस बताई दी गई है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ में वर्णित कोमा जैसे बालकों सुधार सारे दंड का चलन था, कौन कौन सी युक्तियां अपनाई जा रही है, ये भी बहुत अच्छा है कि अब ये क्वेश्चन युक्तियां जीवन मूल्य के विकास में, जीवन मूल्य क्या है, जीवन हमारे जीते हैं उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपनों के जितने पाठ के आधार होते हैं बच्चों खेलकूद से अधिक रुचि लेना अप्रिय लगता था, क्योंकि वे पढ़ते लिखते नहीं थे, खेलते रहते थे और बिखरे बाल फटे टूटे टूटे बटने वाले कपड़े और खून, जब उनको चोट लग जाती खून बहने पर जाते घर आते तो माँ बाप उन्हें खेलते रहने का पीटते थे डांटते थे, गुस्से का स्वभाव हो जाता था, तो फिर भी वो क्या है कि वे पिटना छोड़ करके फिर अगले दिन खेलने चले जाते थे। बच्चा यही तो करते आप एक बार डांटो थोड़ी देर बाद फिर से खेलने लग जाएगा, भूल जाएगा, उसको खेलना अच्छा लगता है। सपनों के दिन बच्चों को पीटने मारे अध्यापक के प्रति हेडमास्टर शर्मा जी की क्या धारणा थी जीवन मूल्य के संदर्भ में, अब उसके औचित्य पर विचार लिखे। अब हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा, देखिए यहाँ ध्यान रखना, हेडमास्टर शर्मा का नाम भी आपको याद होना चाहिए कि ये एक नंबर में पूछा जाता है। हेडमास्टर शर्मा का पूरा नाम बताइए और ये किस चैप्टर से है, सपनों के दिन है और हेडमास्टर का पूरा नाम क्या, श्री मदन मोहन शर्मा जी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और लेखक का नाम गुरुदयाल तो अग्रवाल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब अनुसंधित क्रोधी स्वभाव के थे आप, ठीक है, पीटी अध्यापक के स्वभाव के थे सबको पता है कि कठोर स्वर उग्र देना, इस तरह के क्वेश्चन थे, पर ये सभी क्या है कि आप अगर अच्छे से लिखोगे तो क्या है कि एक बार आप इसका रिविजन भी कर लोगे तो आपके सारे क्या हो जाएगा, पूरा चैप्टर फिर से आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन हो जाए, रिवाइज हो जाएगा। हेडमास्टर और प्रीतमचंद में क्या अंतर था, अब देखिए हेडमास्टर स्कूल के प्रिंसिपल को कहा जाता है, प्रीतमचंद क्या है कि पीटी है, पीटी सर है, तो अंतर तो आप खुद ही समझ सकते हो, फिर भी लिखा हुआ है जमीन आसमान का अंतर है। क्यों, क्यों, क्योंकि हेडमास्टर के अंडर में प्रीतमचंद काम करते हैं, प्रीतमचंद के अंडर में हेडमास्टर काम नहीं करते, हेडमास्टर प्रिंसिपल को कहा जाता है एज ए प्रिंसिपल, पुलिस को कहा जाए एज ए डायरेक्टर। हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा पीटी साहब का स्वभाव व्यवहार जमीन आसमान का अंतर, व्यवहार में भी अंतर था, वे बच्चों को बड़े प्रेम से रखते थे, उग्र स्वभाव से रखते थे, पनिशमेंट रखता है। तो लेखक ने अपने पढ़ाई में छूटने के आधार पर बताया नहीं कब सके अध्यापकों की अपेक्षाएं क्या थी, जीवन में उतर कर लेके और उनको क्या है कि नई टीचर आएंगे वे उनको पीटेंगे तो क्या चमड़ी उधेड़ने से अशोकने कर दो, छात्र शिक्षकों संबंधों को दूषित न बनाए, ये बहुत गलत है बच्चों के साथ इस तरह से करना, एक सही रूप होना चाहिए। तो ये चैप्टर के अकॉर्डिंग बताया गया क्या जीवन मूल्य दृष्टि से देखा जाए तो बढ़ती कक्षाओं के साथ ज्ञान का स्तर भी बढ़ना चाहिए, अध्यापकों का प्रयास होना चाहिए छात्रों से अधिक ज्ञान अर्जन करने की लालसा उत्पन्न करें। आप सोचो कि आप अगर इतना अच्छा देखते हो चैप्टर को तो आपकी कोई विश्वनगर में की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे गुजरात या पूरे इंडिया में आपको रोक करने से कोई रोक सकता है अगर आप एक किसी भी क्वेश्चन का एक जेन्युइन आंसर देते हैं तो। और जब आप इतना बड़ा क्वेश्चन याद करते हैं और फिर उसमें देखा है कि अगर आ भी गया
तो आप कुछ है 10 लाइन में से कम से कम 5-6 लाइन तो फिर भी आपको याद ही रह जाएंगे, वही काफी हो जाती है। लेखक के जमाने में फौज में भर्ती करने की क्या क्या तरीका अपनाया जा जाता था, आप सोचो लेखक के फौज में भर्ती करने के लिए क्या क्या तरीका अपनाया जा रहा था, और फौजी में कौन कौन सी विशेषता, क्या अंग्रेज अफसरों के साथ कुछ नौटंकी वाले भी आते थे, खुले स्थान पर तंबू लगा रात को नाटक दिखाया कर रहे थे, फौज के सुख आराम बहादुर के दर्शन दिखा रहे, लोगों को फौज की नौकरी की तरफ आकर्षित किया करते थे। तो पहले ही नौकरी मिल जाती थी क्योंकि 1947 में हमारा देश ही आजाद हुआ है, तो उस समय देश को क्या है सेना की आवश्यकता थी, तो इसीलिए वे उनको आकर्षित करते थे कि आप भर सेना में भर्ती हो जाए। कहानी में वर्णित स्कूली जीवन और आज के स्कूली जीवन में क्या अंतर है, स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए, अब देखो स्कूली वातावरण क्या है, जमीन स्कूली जीवन और आज के स्कूली जीवन में पहले जो स्कूली जीवन था और आज स्कूली जीवन क्या सुनंद अंतर है। आज आप एसी में बैठ करके पढ़ते हैं, फैन से पढ़ते हैं, सीधी कोई भी प्रॉब्लम परेशानी होती है सीधे प्रिंसिपल से बात कर लेते हैं, पहले हेडमास्टर के सामने जाने में मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती थी, ठीक है। आज आप कुछ भी बात को आपको परेशानी होती है कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप सीधे टीचर से पूछ लेते हैं, पहले क्या होता पढ़ने से जाता किसमें रटंत विद्या यानी रटो रटो पर महत्व दिया जाता था, स्कूल में खेलकूद अतिरिक्त क्रियाकलापों का अवसर बहुत कम होते थे, अब हर तरीके के गेम होते हैं, आप यहीं पर देख लो आपको हॉर्स राइडिंग भी मिल रही है, लाइब्रेरी भी मिल रही है, कंप्यूटर भी मिल रहा है आपको, हाई जंप लॉन्ग जंप और आपको ये सब चीजें मिल रही है, आपको रनिंग के लिए आपको समय मिल रहा है, आपको स्काउट गाइड के लिए भी समय मिल रहा है, आपको पीटी भी करवाई जा रही है, और तब से पीटी होती थी वो भी नॉर्मल, तो पहले बहुत कम होता आज बहुत कुछ ज्यादा होता है। तो ये चीजें आपको नोट करनी है, ये क्वेश्चन समाप्त चैप्टर समाप्त हो गया है, ये देखिए अब आपको ये सब लिखना है और वीडियो रोक रोक करके आप लिखते जाइए और कोई परेशानी हो तो पूछे, और इसलिए एक्सप्लेन कर किया है कि आपको इस एक्सप्लेन करने के साथ साथ आप समझते भी चलें, बिना समझ के भी नहीं लिखना अच्छा नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।